हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, फूड एसआई का एग्ज़ाम कंटिन्यू है। ये दूसरा जो शिफ्ट हुआ है 16 मार्च के ही, उसका ही ये पेपर है। 40-41 क्वेश्चन मिला है और स्टूडेंट लोग से ही मिला है, कोई भी इधर उधर का साइड से बिल्कुल भी नहीं मिला है। और ये लोग का मेमोरी से जितना भी लोग को याद है वही है, तो उसका बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैसे सुबह वाला जो शिफ्ट था, शिफ्ट वन, उसका भी मैंने एक वीडियो दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। कल कल ये थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, काम आ सकता है। वैसे सवाल सब बेसिक है, मगर बेसिक में भी कोई कोई गलती कर रहा है, तो बेसिक सवाल गलती नहीं होना चाहिए, इस तरफ आपको ध्यान रखना है। ओके, आइए शुरुआत करते हैं आज का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था, पाक स्टेट किसको डिवाइड करता है। स्टेट का भी एक वीडियो मैंने कराया था। वैसे पाक स्टेट जो है इंडिया श्रीलंका को डिवाइड करता है, ठीक है। हिंदू कॉलेज कब बना? हिंदू कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, जहाँ पर आपका विद्यासागर भी पढ़ाए हैं। और हिंदू कॉलेज जो 1817 साल में बना है, ठीक है। उसका बाद ही देखिए कैलकाटा मेडिकल कॉलेज या फिर कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं उसको, 1835 में ये बना है। ओके, एक ही साथ दो हॉस्पिटल का बारे मैंने कॉलेज के बारे में दे दिए गए। अच्छा, दिल्ली कब इंडिया का कैपिटल बना? पहले आपको मालूम है कैलकाटा कैपिटल था, तो 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज फाइव आए थे, उसी टाइम दिल्ली को कैपिटल बनाने का घोषणा किया गया था। अच्छा, बेरी बेरी जो रोग है, कौन सा बीमारी, कौन सा विटामिन का कमी का वजह से होता है? विटामिन B1 का कमी का वजह से बेरी बेरी का बीमारी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड सबको मालूम है, किसका साइंटिफिक नाम है? विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका लिखा हुआ किताब है? जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का लिखा हुआ ये किताब है। नील दर्पण कौन लिखा है? ये बंगाली किताब है और ये नील विद्रोह का साथ रिलेटेड है। दीनबंधु मित्रों एक बंगाली राइटर थे, उन्होंने ही इसको लिखा था। और हाँ, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्त, उसको याद रखिएगा। लॉकटक लेक, उस दिन पहले ही मैंने कहा है, जब मणिपुर के बारे में कह रहा था, मैंने कहा था ना लॉकटक लेक बहुत ही फेमस है, यहीं पे फ्लोटिंग आइलैंड भी है, वो जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कैबुल लिमजाओ, इसी में पाया जाता है। जल्दापाड़ा फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पर है? ये हमारा वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है, असम से करीब में पड़ता है। जब नोबेल प्राइज 2023 का लिटरेचर में किसको मिला? जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे के हैं। यकीन माने मेरा मन था ना सुबह में एक नोबेल प्राइज का शॉट डालने का, बट नहीं हो पाया। अच्छा, काला अजहर जो वैक्सीन है उसका इन्वेंट किए थे एक बंगाली किए थे, उनका नाम था उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी। यूके प्राइम मिनिस्टर, ये तो काफी दिन से बहुत बार मैंने कहा, सुधा मूर्ति जी का दामाद ऋषि सुनक, ठीक है, जो कि बहुत ही यंग है। अच्छा, 14 नंबर में देखिए कन्याश्री से रिलेटेड एक सवाल था, कौन से स्टेट को मिला? यकीनन वेस्ट बंगाल को ही प्राइज मिला था कन्याश्री का, यूनेस्को का तरफ से, ठीक है। अच्छा, इसमें से बोला गया, एक्चुअली देखिए कभी कभी कोई भी क्वेश्चन का ना ऑप्शन नहीं देखने से समझाना मुश्किल होता है। तो यहाँ यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है? तो हम लोग को मालूम है 5 है, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। इसके अलावा अगर जो भी ऑप्शन रहा होगा वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेगास्थेनिस किसका लिखा हुआ किताब, मेगास्थेनिस का लिखा हुआ किताब का क्या नाम है? हिंदी का सबको मालूम है, बचपन से हम लोग सुनते हुए। अच्छा, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिसेंटली एक क्रेडिट कार्ड चालू किया था स्टूडेंट लोग के लिए, उसका हायर लिमिट कितना है? यानी कि हायर लिमिट जो है अपर लिमिट 10 लाख का है, ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र कौन लिखा? चाणक्य, जिनका नाम विष्णु शर्मा आपको मालूम ही है। अच्छा, बांगा ज्योतिन किसको कहा जाता है? अभी देखिएगा जो हमारा बंगाली का जो एक स्टार है, जो घाटाल से एमपी होने वाला है, क्या उनका नाम है, देव, ठीक है, उनका नाम दीपक अधिकारी है शायद, हाँ, उन्होंने एक मूवी बनाया था बांगा ज्योतिन का। बांगा ज्योतिन कहा जाता है ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी को। क्यों बांगा ज्योतिन कहा जाता है? वो एक टाइम में बाघ से लड़े थे, ठीक है, इसीलिए उनका नाम बांगा ज्योतिन है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये भी बहुत पुराना पीएससी का सवाल है, ये साइंस में दिया जाता है। हालांकि ये जो मतलब हम लोग का इंडिया का सबसे ऊंचा दर्जा का साइंस का अवार्ड है, इसको अब डिसमेंटल कर दिया गया। अब नया जो अवार्ड आ रहा है नेशनल अवार्ड बोल के साइंस का लाया जा रहा है, उसका बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा कुछ दिन बाद, सब रेडी है। अच्छा, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कौन इन्वेंट किए थे या डिस्कवर किए थे? एडवर्ड जेनर किए थे, ठीक है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन चालू किया था? लॉर्ड डलहौसी, मालूम है आपको 1853 में उनके ही टाइम में ही पहला बार ट्रेन भी चलता है बॉम्बे से थाने तक, याद है 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चालू किए थे। एक्चुअली जो राजा लोग का लड़का वाला नहीं होता था तो पहले लोग गोद लिया करता था, तो वो डलहौसी क्या बोले, जो भाई गोद लेने वाला सिस्टम नहीं चलेगा, पूरा शासन उसका अंदर में अंग्रेज के अंदर में आ जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनता है, विलियम जोन्स इसको बनाते हैं, बहुत ही फेमस सवाल है। अच्छा, कबूलियत और पट्टा, ये एक शायद जमींदारी सिस्टम के ऊपर है, वही क्या बोलते हैं उसको, अनाज वगैरह का मामला है। और ये शेर शाह सूरचली के थे, जो कि आपका ग्रैंड टंग रोड भी बनाए थे। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? कुछ दिन पहले ही मैंने अक्टूबर का डेज थीम पढ़ाया था, उसमें ही यूनाइटेड नेशन था, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे 24 अक्टूबर को मेरे भाई का भी बर्थडे होता है, कजन का। अच्छा, यूनेस्को दुर्गा पूजा, इसे मेरा ख्याल से इंटेंजिबल जो हेरिटेज साइट है उसके बारे में कुछ सवाल था।
बराबरी सिस्टम, ये क्या बोलेगी हमको समझ में नहीं आया, सही भी है कि नहीं आप कमेंट करके बताएं। बिल गेट्स किससे एसोसिएटेड है आपको मालूम है, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट से एसोसिएटेड है और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी है वो, और माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स है अभी कुछ दिन पहले अंबानी का शादी में आए थे और वो जो डॉली चाय वाला है उसका चाय भी पीते, एक चाय आरबीआई का फाउंड किया गया वो तो मैंने बताया था, कुछ दिन पहले ही वीडियो किया था। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना होता है और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज होता है। तो 37 सिर्फ में नेशनलाइज के बारे में आ जाए, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था और 100 दिन चला था, याद रखिएगा। रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस इन इंडिया, इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, ईडी करता है, IRDAI, ठीक है। अच्छा, श्रीरामपुर ट्रायल, ये इस पेपर का या सुबह से लेकर अभी तक का सबसे कठिन सवाल था, इसको अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विलियम केरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन, ये तीन को एक साथ श्रीरामपुर ट्रायल कहा जाता है। ये अंग्रेज होने के बावजूद भी इन्होंने देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, लैंग्वेज के लिए बहुत कुछ किया। हीराकुड डैम कौन नदी का ऊपर है, आपको मालूम है हीराकुड डैम महानदी का ऊपर में है, यानी कि ओडिशा में है। टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर, बहुत सारा रिवर जो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, बहुत सारा अरेबियन सी में गिरता है, तो जो अरेबियन सी में गिरता है उसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं, तो नर्मदा ताप्ती दो एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है अभी, एंटोनियो गुतेरेस, पोर्टुगल के हैं, एक दिन मैंने कहा था। अच्छा, बहुत सारे वीडियो में जब पढ़ाता हूँ ना उसका साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा ज्ञान रहता है, उसको सुना करिएगा, स्किप करिएगा तो नुकसान होगा, मैंने हमेशा कहा है। काबिल बनिए, कामयाबी आपको मिलेगी। राइट टू स्पीच क्या है, राइट टू स्पीच जो फंडामेंटल राइट्स है आपको मालूम है। सी सॉल्ट में क्या पाया जाता है, इसका भी हमको कंसेप्ट ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, मगर आयोडीन तो अच्छा खासा रहता है, ओके। अच्छा, रिसेंटली डिक्लेयर किया गया हेरिटेज साइट, इसका भी मैंने वीडियो कराया था, शांति निकेतन और होयसाला का एंसेंबल्स, ठीक है, कर्नाटका में जो होयसाला। अच्छा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये अच्छा सवाल है, ये पैनक्रियास से निकलता है, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम कौन थे, आपको मालूम है, इनका बारे में भी बताया, ये प्रेसिडेंट थे, मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। अरावली माउंटेन से एक सवाल था, हालांकि अरावली माउंटेन जो है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, इसे क्या सवाल था मालूम नहीं, ओके। तो ये 41 क्वेश्चन ही मिला, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। बाय।